आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री में बिजनेस ईमेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे गूगल वर्कस्पेस का अगर आप बिजनेस स्टार्टर ले रहे हैं तो 137 रुपीज पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का लेते हैं तो 135 रुपीज पर यूजर पर मंथ। और यहाँ पे एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है, मंथली आपको पे नहीं करना, एक साथ आपको एक साल का पे करना है, नहीं तो आप जीमेल का यूज करते हैं। और जीमेल का यूज करना एक अनप्रोफेशनल लगता है, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपके पास एक बिजनेस डोमेन होना बहुत जरूरी है, और वही मैं बताऊंगा कि आप फ्री में कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आपने गूगल में जाना है, वहां पर लिखना है जोहो। फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज में आ जाएंगे, राइट साइड टॉप में लिखा हुआ है साइन अप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा, आप चाहे तो इसे फिल करके भी साइन अप कर सकते हैं, नहीं तो गूगल के थ्रू भी आप इसे साइन अप कर सकते हैं। मैंने गूगल के थ्रू इस पे साइन अप करा तो मेरे से अब ये डिटेल्स मांग रहा है, जहां पे मैं ऑलरेडी अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कंट्री सिलेक्ट करनी है, स्टेट सिलेक्ट करनी है, ये आपका अनटिक होगा, इसको आप टिक करके क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो टाइप करना है और आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज ओपन होगा, यहां से आपने थोड़ा सा नीचे करना है और ईमेल सेक्शन में जाना है। उसके बाद मेल की आपको ऑप्शन मिल रही है, यहाँ पे लिखा है ट्राई नाउ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रही है, हमने फर्स्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है बिजनेस ईमेल के लिए, और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास ये एक प्लान आ रहा है और इसमें प्राइस लिखे हुए हैं, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको फ्री में बताऊंगा आप बिजनेस ईमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हम इसका फ्री प्लान लेंगे। उसके लिए आपने पेज को नीचे करना है और यहाँ पे लिखा है फ्री प्लान, ट्राई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रही है, आपके पास अगर ऑलरेडी डोमेन है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर आप डोमेन परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। बट ऑब्वियस है, आपके पास डोमेन है तभी तो आप बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, तो इस केस में हम ऐड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा vskill.in। उसके बाद प्रोवाइडर नेम देना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा vskill। नीचे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, मैंने एजुकेशन को सिलेक्ट करा, आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करें। सबसे नीचे एक छोटा सा बटन दिख रहा है ऐड नाउ का, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी vskill वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है डोमेन वेरिफिकेशन का, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है, अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक करी तो आपका बिजनेस ईमेल क्रिएट नहीं होगा। प्रोसीड टू डोमेन वेरिफिकेशन के ऊपर मैंने क्लिक करा। अब यहाँ से आपको अपनी DNS सेटिंग करनी है, जहां पे भी आपका डोमेन लिंक है, आपने उसे जहां से भी परचेज करा है आपने उसकी DNS सेटिंग में जाना है। मैंने अपने डोमेन को Cloudflare से कनेक्ट करा है, तो मैं उसकी सेटिंग में जाऊंगा और यहां से आपने इस पे क्लिक करके इसको कॉपी करना है। आप जैसे ही DNS सेटिंग में जाएंगे, ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे और यहां पे आपने TXT फाइल क्रिएट करनी है। मैंने TXT को सिलेक्ट करा और यहां पे आप @ लिखेंगे और नीचे रिक्वायर्ड में जो आपने कॉपी करा था उसको पेस्ट कर देंगे और सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है। जितने भी डोमेन प्रोवाइडर्स होते हैं सबकी अपनी DNS सेटिंग होती है, तो आपने इस चीज को ध्यान से करना है, नहीं तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे मैंने TXT ऐड कर दिया और उसके बाद नीचे लिखा है वेरीफाई TXT रिकॉर्ड, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। आप देखेंगे मेरा TXT वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे बिजनेस डोमेन क्रिएट करना है, आप देखेंगे @vskill.in लिखा आ गया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट। आप कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं, एडमिन, हेल्प या फिर कुछ भी लिखना चाहे, सपोर्ट लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम दिया है। उसके बाद क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है मेरे नाम से। अब सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रही है प्रोसीड टू सेटअप ग्रुप्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अभी आपको कोई ग्रुप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर दे। और फिर से आप नीचे देखेंगे लिखा है प्रोसीड टू DNS मैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखें, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको MX रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड फिर से क्रिएट करने हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने ये मिस कर दिया, यहाँ पे कोई गलती कर दी तो आपका बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान से जरूर देखिए। अगर वीडियो को पॉज करना पड़े या फिर से देखना पड़े तो वो भी करें। अब हम MX रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे। अब यहां से आपने इसको कॉपी करना है, होस्ट में @ रहेगा और प्रायोरिटी आपकी 10 रहेगी। अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने वापस अपनी DNS सेटिंग में जाना है, आप ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे। अब यहां से आपने MX को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो @ लिखा था आपने वही यहां पे पेस्ट करना है और जो आपने कॉपी करा था आप उसे यहां पेस्ट करेंगे।
और प्रायोरिटी में 10 लिखा था, ठीक इसी तरीके से आपने करना है और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सेकंड एमएक्स रिकॉर्ड को आपने यहाँ से कॉपी करना है, अब उसमें हम 20 कर देंगे और थर्ड वाले में हम 3 कर देंगे और उसको 50 कर देंगे। सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने पहले वाला ऐड करा है। आप देखेंगे तीनों एमएक्स रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब वापिस यहाँ पे जाना है, अब फिर से हम TXT रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। यहाँ से आपने इसे कॉपी करना है, वापिस आप DNS सेटिंग में जाएंगे, ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे और यहाँ से आपने TXT को सिलेक्ट करना है, ऐट द रेट लिखना है और यहाँ पे जो कॉपी करा था उसे आप पेस्ट करेंगे और सेव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक इसी तरीके से जो लास्ट रिकॉर्ड है उसका भी हम ऐसे ही करेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। होस्ट में पहले ऐट द रेट आ रहा था, अब आपको होस्ट में यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है। फिर से ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे, TXT को हम सिलेक्ट करेंगे और जो आपने कॉपी करा था आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपने ऐट द रेट नहीं लिखना, उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है इसको भी आप कॉपी करेंगे और वापस यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर देंगे। ये करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये सारे रिकॉर्ड्स आपने वन बाय वन इसी तरीके से सेव करने हैं जिस तरीके से आपको यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद नीचे एक बटन आ रहा है वेरीफाई ऑल रिकॉर्ड्स का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। DNS रिकॉर्ड ऐड होने में थोड़ा टाइम लगता है, अब वो 24 आवर्स भी हो सकते हैं, 48 आवर्स भी हो सकते हैं या 24 आवर्स से कम भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, पर आप इसका नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। तो उस केस में आपने यहाँ से इसे ओके करना है और फिर से वेरीफाई के ऊपर क्लिक करें। आप देखेंगे मेरे ये नीचे के दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब मुझे ये 30 मिनट से लेके 1 डे तक, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे ये भी मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। नीचे आ रहा है प्रोसीड टू ईमेल माइग्रेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक मोबाइल ऐप मिलेगा, Zoho का मोबाइल ऐप है, जैसे Gmail का होता है। आप उसके अंदर ईमेल रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। आप अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके Zoho के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में जाना है और Zoho मेल लिखना है। ऐप स्टोर में भी जाके आप यही लिखेंगे, ये वाला आइकॉन है इसको आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल के अंदर, जो मैं अभी नहीं कर रहा, तो मैंने प्रोसीड टू गो मोबाइल के ऊपर क्लिक करा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ रही है प्रोसीड टू सेटअप कंप्लीशन, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे दो आपको ऑप्शन मिलेगी, चेकआउट योर इनबॉक्स और गो टू एडमिन कंसोल। अभी हम इनबॉक्स को सिलेक्ट करके चेक करेंगे क्या सच्ची में ईमेल जा भी रहा है या फिर नहीं। यहाँ से मैंने इनबॉक्स वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ वेलकम मैसेज आएगा, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नीचे स्किप लिखा है, आप स्किप भी कर सकते हैं। आप देखेंगे मुझे Zoho की तरफ से वेलकम ईमेल आ गया। अब मैं अपने एक दूसरे जीमेल को लॉगिन करके चेक करता हूँ क्या मेरे सच्ची में ईमेल सेंड हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ईमेल आईडी टाइप कर दिया और सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया टेस्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो ईमेल। उसके बाद मैंने सेंड के ऊपर क्लिक करा। यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं कि मैसेज सेंड हो चुका है, क्या अब हमें रिसीव हुआ या नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे मुझे मेरे बिजनेस ईमेल पे ईमेल रिसीव हो चुका है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और यहाँ पे डेमो ईमेल मैंने लिखा था और वही मुझे रिसीव हुआ। अब एक बार रिप्लाई करके देखते हैं क्या इससे मैसेज सेंड हो रहा है या फिर नहीं। मैंने लिख दिया डेमो ईमेल रिप्लाई, सेंड के ऊपर मैंने क्लिक करा, मेल सेंड का मेरे पास मैसेज आ गया और यहाँ पर आप देखेंगे मुझे डेमो ईमेल रिप्लाई ईमेल आ चुका है। और कहाँ से आया, मैंने जो अभी बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट करा है वहाँ से मुझे ये ईमेल रिसीव हो चुका है। इस तरीके से आप फ्री में बिजनेस ईमेल क्रिएट कर सकते हो और अपने Zoho ऐप में जाके इसको बहुत इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं।